क्या कसूर है हम गरीब लोगों का? अगर हमें इतना फीस है तो हमें पावर दे दीजिए, अगर पावर नहीं है तो फीस किस बात की है। 2024 का साल शुरू होते ही महकमा बिजली ने एक तरफ बिजली फीस में बेतहाशा इजाफा किया, मगर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो लोग बिजली कटौती से परेशान है। ज़िले बड़गाम के एक देहाती इलाके जडन के लोगों ने आज महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज दर्ज करते हुए क्या कुछ कहा, आए सुनते हैं। आज माह मुबारक आज इफ्तार टाइम तम सात पावर कहें सहर टाइम तम सात पावर कहें खालिया कहें सिर्फ फीसा सोजान बाकी नहीं अमी मूजूब से ये सारी जमा हुकाम तान वात सोन कत मेहरबानी तो मेहरबानी कर पावर ये बराबर अगर तुम दह शत ऐसी रुपये सोजान बिल मगर सोन तो बूझो क्या पावर पांच बजे सुनुक बी वापस उस वो अं गि कठिन अत दिवान मस्जिद शेर पे नमाज पढ़ लिहाजा कर अस जरूरत यह तार कह यह तुलतन वापस यह पहाड़ी इलाक यो साढ़ दह शत रुपये फीस यह अकिस घंटस नीच पावर रोजान ये कहें मेहरबानी मेहरबानी कर हल या थी पावर नीन लोन अंद हे अरूरत आपकी वसादत से मैं डीसी साहब से बोलना चाहता हूँ। अगर हमारे पास पिछले सालों में बिजली रहती थी माह रमजान में, लेकिन आज हमें दो घंटे भी 24 घंटे में पावर नहीं रहता है। 1040 रुपए बिल आ गए, हम एक घंटा पावर भी नहीं रहता है। एक महीना पूरा होने के बाद बिल पहुंचती है तो शाम तक ये बिजली बिल अदा करते हैं, लेकिन जब पावर की बारी आई है तो एक घंटा पावर भी नहीं रहता है। लेकिन हम आज ऑन लेवल गवर्नर साहब से ये पूछना चाहते हैं, अगर आज तक सारी गवर्नमेंटें हमें माही मुबारक में बिजली देते हैं, ये लोग कम से कम हमें चार घंटे बिजली दे दे, क्या कसूर है हम गरीब लोगों का? अगर हमें इतना फीस है तो हमें पावर दे दीजिए, अगर पावर नहीं है तो फीस किस बात की है। कश्मीर में बिजली की कटौती कोई नई बात नहीं है, लेकिन रमजानुल मुबारक के मुकदस महीने में खास तौर पर सहरी और इफ्तारी के दौरान ऐसी बदतरीन और बार बार बिजली कटौती कभी नहीं देखी गई। हमें उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया कम अज़ कम इस मुकदस महीने में बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाएगी।